India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अपने इस अगले आधे घंटे के बुलेटिन में आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। बिक्री समझौता स्वामित्व प्रदान नहीं करता, हालांकि संभावित खरीदार का स्वामित्व अधिकार धारा 53A टीपी एक्ट के तहत संरक्षित। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ग्रेच्युटी की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जिस दिन ग्रेच्युटी दे हुई हो, न कि वितरण की तिथि से। केरल हाईकोर्ट का फैसला। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक के लिए सहमति वापस लेना कोर्ट की अवमानना नहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा। गैंगस्टर संजीव जीवा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगने वाली पत्नी पायल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। पायल खुद एक गैंगस्टर के रूप में है आरोपी। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। और चलिए कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात बिक्री समझौते की। बिक्री समझौता स्वामित्व प्रदान नहीं करता, हालांकि संभावित खरीदार का स्वामित्व अधिकार धारा 53A टीपी एक्ट के तहत संरक्षित रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भले ही बिक्री समझौता किसी अचल संपत्ति में मालिकाना हक का स्थानांतरण नहीं करता, हालांकि जब संभावित खरीदार अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करता है और संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि उसने मालिकाना हक अधिग्रहित कर लिया है। और ये संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1982 टीपीए की धारा 53A के तहत संरक्षित है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मिथल की खंडपीठ ने घनश्याम बनाम योगेंद्र राठी की अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कानूनी रूप से बिक्री समझौते को बिक्री के लेन देन या अचल संपत्ति में मालिकाना हक को स्थानांतरित करने वाले दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता, लेकिन संभावित खरीदार ने अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन किया है और कानूनी रूप में कब्जे का अधिकार प्राप्त किया है, जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 35A को ध्यान में रखते हुए संरक्षित होने के लिए उत्तरदायी है। संभावित खरीदार के स्वामित्व अधिकारों को हस्तांतरण करता या उसके तहत होने का दावा कर रहे किसी भी व्यक्ति द्वारा हमला नहीं किया जा सकता। दरअसल दिल्ली स्थित एक संपत्ति के मालिक घनश्याम ने वाद संपत्ति की बिक्री के लिए प्रतिवादी योगेंद्र राठी के साथ 10 अप्रैल 2002 को एक बिक्री समझौता किया और प्रतिवादी से संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त किया। उसी दिन अपीलकर्ता ने वाद संपत्ति के लिए प्रतिवादी को वसीयत निष्पादित की। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के पक्ष में जीपीए भी निष्पादित किया। वाद संपत्ति का कब्जा प्रतिवादी को सौंप दिया गया, हालांकि कोई बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को लाइसेंसधारी के रूप में 3 महीने के लिए वाद संपत्ति के एक हिस्से पर कब्जा करने की अनुमति दी। 3 माह की अवधि बीत जाने के बाद भी अपीलकर्ता ने संपत्ति खाली नहीं की। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ वाद संपत्ति से बेदखली और मध्यवर्ती मुनाफे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी ने 10 अप्रैल 2002 को सेल एग्रीमेंट, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मेमो ऑफ पजेशन, बिक्री के लिए भुगतान की रसीद और फिर उसी दिन 10 अप्रैल 2002 की वसीयत के बल पर वाद संपत्ति के स्वामित्व का दावा किया। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों को कोरे कागजों पर हेर फेर किया गया है, हालांकि उस आशा का कोई सबूत नहीं था। अपीलकर्ता ने ऐसे दस्तावेजों के निष्पादन या उसके द्वारा बिक्री प्रतिफल की प्राप्ति पर विवाद नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि दस्तावेजों में कोई हेरफेर नहीं हुआ था और इस प्रकार प्रतिवादी बेदखली और मध्यवर्ती मुनाफे की वसूली के लिए
डिक्री का हकदार है। अपील कर्ता ने प्रथम अपील दायर की और उसके बाद हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी अपील दायर की और दोनों का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया गया। इसके बाद अपील कर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि बिक्री समझौता न तो स्वामित्व का दस्तावेज है और न ही बिक्री द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण का विलेख है, इसलिए ये संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के मद्देनजर वाद संपत्ति पर प्रतिवादी को उन अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालांकि बिक्री के लिए समझौते में प्रवेश करने, बिक्री के लिए तय संपूर्ण राशि का भुगतान करने जैसे कारक और हस्तांतरण कर्ता द्वारा कब्जे में रखना ये दर्शाता है कि प्रतिवादी के पास बिक्री समझौते के आंशिक प्रदर्शन के आधार पर वास्तविक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि वाद संपत्ति में अपील कर्ता का प्रवेश प्रतिवादी के लाइसेंसधारी के रूप में था, न कि संपत्ति के मालिक के रूप में। खंडपीठ ने कहा कि आमतौर पर बिक्री समझौता किसी अचल संपत्ति में मालिकाना हक को स्थानांतरित नहीं करता जब संभावित खरीदार अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करता है और संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि उसने संपत्ति का स्वामित्व हासिल कर लिया है और ये संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53A के तहत संरक्षित है। खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी के कब्जे के अधिकार को हस्तांतरण करता यानी अपील करता द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इस तरह खंडपीठ ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि प्रतिवादी मध्यवर्ती मुनाफे के साथ बेदखली की डिग्री का हकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर कथित गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगने वाली पत्नी पायल महेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। यह मामला आज जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। पायल खुद एक गैंगस्टर के रूप में आरोपित है। उसके वकील ने कहा कि वो पूरी तरह मानवीय आधार पर बहस कर रहे हैं, न कि मामले के मेरिट पर। उन्होंने तर्क दिया कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पायल महेश्वरी को एक दिन की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता धर्मेंद्र मौली के प्रसाद ने प्रस्तुत किया, पायल उन गैंगस्टरों में से एक है जिनका नाम चार्ट में है। जहां तक अंतिम संस्कार का सवाल है, मैं उसमें भी नहीं पढ़ रहा हूं। इस मौके पर याचिकाकर्ता ने अदालत से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि इस बीच महेश्वरी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुझे ये सांत्वना मेरे परिवार को देनी है। याचिकाकर्ता के 3 बेटे और 1 बेटी। अदालत को सूचित किया गया कि मृतक के शरीर को लखनऊ से परिवार के गृहनगर मुजफ्फरनगर ले जाया जाना था। बेंच ने कल यानी कि 9 जून को मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। जीवा को मुख्तार अंसारी का करीबी सहयोगी बताया जाता है। जीवा की कल लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर अज्ञात हमलावरों की ओर से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका नाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय की हत्या में भी सामने आया था। जीवा की गोली मारकर हत्या के बाद एक आधिकारिक बयान में लखनऊ पुलिस आयुक्त SB शिराडकर ने कहा था कि लखनऊ जेल में बंद संजीव महेश्वरी जीवा को एक मामले में सुनवाई के लिए अदालत में लाया गया था और अज्ञात हमलावर ने उसे गोली मार दी। हालांकि मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम विजय बताया गया। उधर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक के लिए सहमति वापस लेना कोर्ट की अवमानना नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से यह फैसला सुनाया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत दोनों पक्ष के पास आपसी सहमति से तलाक के लिए अपनी सहमति याचिका वापस लेने का अपरिवर्तनीय और पूर्ण अधिकार है। कोर्ट ने प्रतिवादी पत्नी के खिलाफ पति के साथ समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सत्येन वैद्य ने ये स्पष्ट करते हुए कि आपसी तलाक के लिए अपनी सहमति वापस लेने का प्रतिवादी का अधिकार पूर्ण है और इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है। इस बात पर भी जोर दिया कि अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश जिसमें पक्षों को समझौते की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया है की व्याख्या मौलिक अधिकार को कम करना या खारिज करने के रूप में नहीं की जानी चाहिए। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट चंबा हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी भरण पोषण आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी। अपील प्रक्रिया के दौरान न्यायालय की एक खंडपीठ ने दोनों पक्षों के बीच
समाधान की सुविधा के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया। मध्यस्थ ने एक सफल मध्यस्थता की सूचना दी, जहां पक्षकारों ने एक समझौते पर सहमति व्यक्त की, जिसमें अपीलकर्ता के विवाह का विघटन और प्रतिवादी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15 लाख रुपए का भुगतान शामिल है। इस समझौते के आधार पर अपील का निपटारा किया गया, जिससे दोनों पक्ष सहमत हुए। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी पत्नी के खाते में 8 लाख रुपए जमा करा दिए, लेकिन पत्नी ने तलाक की याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसीलिए वर्तमान याचिका दायर की गई, जिसमें प्रतिवादी को अदालत की अवमानना के लिए जिम्मेदार ठहराने की मांग की गई, क्योंकि उसने खंडपीठ के निर्देशों का पालन नहीं किया। अदालत ने कहा कि प्रावधान अपनी याचिका वापस लेने के लिए शामिल पक्षों को एक पूर्ण और निर्विवाद अधिकार प्रदान करता है, इसीलिए किसी पक्ष को उन शर्तों का पालन करने के लिए मजबूर करना अनुचित होगा, जिसके लिए उन्होंने पहले सहमति दी थी, क्योंकि ये इस खंड के सार का खंडन करेगा। जस्टिस वैद्य ने आगे जोर देकर कहा कि खंडपीठ द्वारा पक्षकारों को समझौते की शर्तों का पालन करने के निर्देश की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो धारा 13B के तहत याचिका वापस लेकर अपनी शादी को भंग करने के पक्ष के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। पीठ ने कहा कि कानून के प्रावधान को संशोधित करने या फिर से लिखने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। खंडपीठ ने निर्धारित किया कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर याचिका गलत है और इसे खारिज कर दिया। हालांकि खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता इस मामले में उचित कानूनी सहारा लेने का अधिकार रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत देय ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जिस दिन ग्रेच्युटी देय हो गई थी, न कि उस तिथि से जब राशि वास्तव में वितरित की गई। हाईकोर्ट केरल राज्य आवास बोर्ड के एक सेवानिवृत्त क्षेत्रीय अभियंता की याचिका पर विचार कर रहा था, जिसका DCRG और पिछले महीने का वेतन ऑडिट आपत्तियों के कारण रोक दिया गया था। याचिकाकर्ता वर्ष 2002 में सेवानिवृत्त हुआ। उसने पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद बोर्ड के सचिव को रोकी गई राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि याचिकाकर्ता के मुताबिक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में 2010 के संशोधन के तहत वो अधिकतम 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी का हकदार है। याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए जस्टिस मुरली पुरुषोत्तम के एकल पीठ ने कहा कि ग्रेच्युटी एक कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर दे है। किसी कर्मचारी को दे ग्रेच्युटी उस अधिकतम से अधिक नहीं होगी जो स्थिति को संबंधित अधिनियमों के तहत अधिसूचित की जाती, जिस पर ग्रेच्युटी दे हो जाती। यहां तक कि अगर ये मान भी लिया जाए कि ग्रेच्युटी के लिए याचिकाकर्ता का दावा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत था, तो उक्त अधिनियम के तहत दे ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि उस तिथि के संबंध में निर्धारित की जानी चाहिए जिस पर ग्रेच्युटी दे हो गई थी, न कि जिस तारीख को DCRG के लिए भुगतान के लिए मंजूरी दी गई थी या वो तारीख जिस पर वास्तव में उसे राशि वितरित की गई थी। और इसीलिए याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार 10 लाख रुपए की अधिकतम ग्रेच्युटी का हकदार, जैसा कि अधिनियम 15 की ओर से संशोधित किया गया है। न्यायालय की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता केरल राज्य आवास बोर्ड के कर्मचारी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ विनियम 1990 द्वारा शासित है। ऐसे में याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत या KSR के तहत ग्रेच्युटी का दावा करना होगा। अगर वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी का दावा करता है तो राशि उक्त अधिनियम के धारा 4 के तहत निर्धारित की जाएगी। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर रेलवे और एक बरसाती कुएं के निर्माण कार्य में लगे एक ठेकेदार को 2013 में गड्ढे में गिरकर डूबने से मरने वाले 12 साल के लड़के के माता पिता को 23 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया। जस्टिस नजमी वजीरी और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि 2019 में माता पिता की ओर से दायर याचिका की तारीख से 6% साधारण ब्याज के साथ 3 महीने के भीतर मुआवजे की वसूली तक मुआवजे का भुगतान किया जाए। यह घटना दिल्ली के कैलाश नगर में पीली मिट्टी रेलवे लाइन और मेट्रो लाइन के बीच की एक खाली जमीन पर हुई, जिसे मोहल्ले के बच्चे खेल के मैदान में इस्तेमाल करते थे। कोर्ट ने कहा कि मोहल्ले के बच्चे इस खुली जमीन पर खेलते थे, जिसमें असुरक्षित बरसाती कुआं खोदा गया था। वहीं खेलते समय 12 वर्षीय बच्चा गड्ढे में गिरकर अपनी जान गंवा बैठा।
कोर्ट ने कहा कि जाहिर है कि किसी भी उत्तरदाता ने उचित देखभाल नहीं की थी और किसी भी अवांछित और दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोकने के लिए साइट पर सुरक्षा उपाय स्थापित नहीं किए गए थे, जैसे कि वो घटना जिसके परिणाम स्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई थी। किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से बचने के लिए प्रतिवादी साइट पर उचित सुरक्षा उपाय करने में न तो सतर्क थे और न ही संवेदनशील। इसमें कहा गया कि किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए साइट पर उचित परिश्रम और देखभाल करना उत्तर रेलवे और ठेकेदार का कर्तव्य था और वो किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए साइट पर सुरक्षा उपाय करने में लापरवाही कर रहे थे। अदालत माता पिता की ओर से 29 अक्टूबर 2018 के एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें हर्जाने और रुपए के मुआवजे की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। मुआवजे का दावा मोटर वाहन दुर्घटनाओं के दावों में मुआवजा देने के लिए अपनाई गई पद्धति के आधार पर किया गया था। 2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 290 और 304 ए के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने 2015 में एक समझौते के आधार पर प्राथमिकी को रद्द कर दिया था। ठेकेदार ने माता पिता को 3,10,000 रुपए का मुआवजा दिया था। कोर्ट ने कहा एक नागरिक गलती और एक आपराधिक गलती के लिए मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व एक दूसरे से स्वतंत्र और पारस्परिक रूप से अनन्य है। अदालत ने कहा कि बच्चों के लिए सभी खुले क्षेत्र, भूमि और मैदान खेल के लिए, दौड़ने, मौज मस्ती के लिए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुएं में फिसलने से लड़के की मौत हो गई। अब कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह के घातक हादसों को देखेगा। अगर इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खोदी गई खाई, कुएं को सुरक्षित बाढ़ बंद पहरा नहीं दिया गया था, ये उत्तरदाताओं का जनता के प्रति कर्तव्य था। वो देखभाल करने में अपने कर्तव्य में विफल रहे। उनकी लापरवाही के कारण एक मासूम लड़के की जान चली गई। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हज यात्रा धार्मिक प्रथा के दायरे में आती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि हज तीर्थ यात्रा और उसमें शामिल समारोह धार्मिक प्रथा के दायरे में आते हैं जो भारत के संविधान की ओर से संरक्षित हैं। धार्मिक स्वतंत्रता आधुनिक भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिताओं की दृष्टि के अनुरूप संविधान के तहत गारंटीकृत और प्रतिष्ठापित सबसे पोषित अधिकारों में से एक है। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत भारत के संविधान द्वारा गारंटी दी गई। अदालत ने 25 मई को केंद्र सरकार की ओर से हज 2023 के लिए हज कोटा के आवंटन की समेकित सूची में प्रकाशित उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कोटा के निलंबन को चुनौती देने वाली विभिन्न निजी हज समूह आयोजकों की ओर से याचिकाओं के बेंच की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। अदालत ने हज समूह के आयोजकों के खिलाफ समेकित सूची में की गई टिप्पणियों पर यह सुनिश्चित करने के लिए रोक लगा दी थी कि तीर्थ यात्रियों को उनकी हज यात्रा पूरी करने से रोका नहीं जा सकता। अदालत ने आदेश दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीर्थ यात्रियों को अपनी यात्रा पूरी करने और हज करने में बाधा न हो, हज 2023 के लिए हज कोटा के आवंटन की समेकित सूची में प्रतिवादी की ओर से 25 मई 2023 को जारी की गई टिप्पणी, जिसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और शिकायत संबंधी मामलों में कार्रवाई को अंतिम रूप देने तक रोके गए, कोर्ट पर रोक लगाती। अदालत का प्रथम दृष्टया मत था कि हालांकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और हज समूह के आयोजकों को आवंटित कोटा जारी करने पर प्रतिबंध और शर्तें लगाई जा सकती हैं, लेकिन इसे उन तीर्थयात्रियों के खिलाफ नहीं ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने तीर्थ यात्रा करने के लिए ऐसे आयोजकों के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अदालत ने कहा कि इस न्यायालय का विचार है कि इस तरह की कार्रवाई वर्तमान हज नीति के उद्देश्य को पराजित करेगी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अपमान में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जस्टिस सिंह ने कहा कि विकल्प को लागू किया जाना चाहिए जिससे हज यात्रा करने की इच्छा रखने वाले नेक इरादों वाले नागरिकों के लिए कानून बाधा न बने। अदालत ने कहा कि मौजूदा याचिका में अदालत इस स्तर पर मुख्य रूप से उन तीर्थयात्रियों से संबंधित है जो हज यात्रा पर जाने का इरादा रखते हैं और इसके लिए याचिकाकर्ताओं को अग्रिम भुगतान किया गया। हज यात्रा केवल छुट्टी नहीं है बल्कि ये उनके धर्म और आस्था का पालन करने का माध्यम है जो मौलिक अधिकार। ये न्यायालय तीर्थयात्रियों के अधिकारों का रक्षक होने के नाते इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले महीने कथित गो रक्षकों पुनीत कुमार उर्फ पुनीत केरेहल्ली और चार अन्य लोगों को जमानत दे दी थी, जिन पर 1 अप्रैल को एक इदरीस पाशा की मौत का आरोप लगाया गया था। जस्टिस एमजी उमा की एकल न्यायाधीश की पीठ ने प्राथमिकी दर्ज करने में विसंगति पर ध्यान दिया। याचिकाकर्ताओं ने मवेशियों के अवैध परिवहन के लिए इदरीस पाशा, सैयद जहीर और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बताया जाता है कि उसी दिन जहीर ने FIR याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई।
कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि दूसरी एफआईआर शाम 5:30 बजे क्यों दर्ज की गई, जबकि पहली एफआईआर शाम 4 बजे दर्ज की गई। कोर्ट ने अभियुक्तों की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और न्यायिक न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के लिए 2 जमानत के साथ 2,00,000 रुपए की राशि में बॉन्ड प्राप्त करने पर उन्हें जमानत दे दी। याचिकाकर्ता आरोपी ने तर्क दिया था कि घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि जानबूझकर राजनीतिक कारणों से झूठे आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा है। चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है। ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता जमानत देने के हकदार नहीं है, वो भी तब जब ऐसे अपराधों के लिए आरोप लगाए जाते हैं जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास के लिए दंडनीय है। कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें खुलासा हुआ कि इदरीस पाशा को केवल 4 खरोचे लगे थे और मौत के कारण को रासायनिक विश्लेषण और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के अभाव में लंबित रखा गया था। खंडपीठ की ओर से कहा गया कि यह स्पष्ट है कि पोस्टमार्टम के समय मृतक के शरीर पर कोई घातक चोट नहीं थी। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों से घटना के तरीके के बारे में एक उचित संदेह पैदा होता है। हालांकि ये कहा गया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है, लेकिन अदालत के सामने रखी गई सामग्रियों से आरोपी को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मजबूत सामग्री नहीं। उधर केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि जमानत पर रिहा किया गया व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार है। अदालत ने विशेष न्यायाधीश के एक आदेश को चुनौती देने पर विचार करते हुए 40.5 किलोग्राम गांजा रखने के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दी गई वैधानिक जमानत रद्द कर दी। इनके पास से 850 ग्राम चरस का तेल और 3 अन्य के साथ हथियार के साथ 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। जस्टिस राजा विजय राघवन वी एकलपीठ ने विशेष न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और इसीलिए विशेष न्यायाधीश जमानत रद्द करने के लिए पूरी तरह से न्याय संगत थे। इस मामले को देखते हुए अपेक्षित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश याचिकाकर्ता के न्यायिक अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत मांगने के रास्ते में नहीं खड़ा होगा। न्यायालय ने कहा कि आमतौर पर जमानत रद्द करने के आधार मोटे तौर पर हस्तक्षेप या फिर न्याय के प्रशासन के उचित कोर्स में हस्तक्षेप करने का प्रयास या चोरी या न्याय के उचित तरीके से बचने का प्रयास या दी गई रियायत का दुरुपयोग है। आरोपी के फरार होने की संभावना के रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर अदालत की संतुष्टि जमानत रद्द करने का एक और कारण है। कोर्ट ने कहा कि जहां तक ऐसे मामलों की बात है जिसमें जमानत रद्द करने के लिए आवेदन स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के लिए दायर किया गया है, अदालत की ओर से इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या उन शर्तों का उल्लंघन किया गया और निगरानी की परिस्थितियां जमानत रद्द करने का वारंट करती। वर्तमान मामले में जांच अधिकारी ने हाईकोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को दी गई जमानत रद्द करने के लिए न्यायिक अदालत का दरवाजा खटखटाया। ये पता चलने के बाद कि जमानत दिए जाने के 5 महीने के भीतर एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ एक और अपराध दर्ज किया गया। विशेष न्यायाधीश ने यह पाया कि रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया सामग्री से पता चलता है कि जमानत पर रिहा होने के दौरान याचिकाकर्ता ने उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। उधर केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो मल्लपुरम जिले के तनूर इलाके में हुई नाव दुर्घटना को लेकर शुरू की गई कार्रवाई के मामले में न्यायालय की सहायता करें। इस दुर्घटना में 15 बच्चों समेत 22 लोगों की जान गई थी। न्यायालय ने अपने सहायता के लिए सरकार से सीनियर नौकरशाह को नामित करने को कहा है। चीफ जस्टिस SVN भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अनिवार्य फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना कथित रूप से काम कर रही पर्यटक नाव संभवतः भीड़ भाड़ के कारण पलट गई। यह आरोप लगाया जाता है कि जिस नाव में केवल 20 सीटें थीं उसमें क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया गया था। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस सोफी थॉमस की अन्य खंडपीठ ने पहले इस मामले में कुछ प्रारंभिक दिशा निर्देश जारी किए जिसमें सभी नाव मालिकों और संचालकों को उचित उपयुक्त आदेश और सर्कुलर जारी करना शामिल, जैसे जहाज पर चढ़ने, केबिन के भीतर और बाहर निकलने और जाने के बिंदु पर स्पष्ट रूप से एक बोर्ड प्रदर्शित किया जा सके जिस पर अंग्रेजी और मलयालम में निचले और ऊपरी दोनों डेक यात्रियों की संख्या दिखाते हुए इस पर अनुमति दी जा सकती है। नामित कर्मचारी की ओर से प्रमाणित यात्रियों की संख्या का लिखित रिकॉर्ड बनाए रखना, पर्यटक नौकाओं का बीमा और इसी तरह की अन्य जानकारी दी जाए। कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों पर मुख्य सचिव की ओर से अधिकृत अधिकारी की व्यापक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 2 सप्ताह का समय भी दिया। मामले को 22 जून 2023 को आगे विचार के लिए
रखा गया है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।